हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। जिस रिक्रूटमेंट की हम बात करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक भर्ती ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस के बारे में। आपको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। हो सके तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके लिए आपको सर्च करना होगा अपने गूगल में jobinformation.co.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा। ये देखिएगा, जॉब इन्फॉर्मेशन होम पेज, आप यहाँ पे क्लिक कर दो जॉब इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडिंग भर्ती 2021। आप इस पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड एज एन असिस्टेंट कमांडिंग जनरल ड्यूटी कमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA एंड टेक्निकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल 402/2022 बैच के लिए फ्रेंड्स ये वैकेंसी है। आप ये चेक कर पाओगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर हमारी jobinformation.co.in पर आकर यहाँ से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट, न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कम्प्लीटली फॉर्म आपको समझाते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल। तो आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा मोर लिंक्स। ये आपको सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी आपको, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। फ्रेंड, नोटिफिकेशन, कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले इसका एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिल करें। आप देखिएगा, नीचे आओगे स्क्रॉल करके, जो इसकी डेट है वो भी है। नीचे आओगे स्क्रॉल करके, मोर लिंक्स मिलेगा आपको। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है तो क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर दोगे, या पहले इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक हेयर पे आप क्लिक कर दोगे, इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। ये देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फ्रेंड्स, ओपनिंग डेट देख सकते हो, क्लोजिंग डेट देख सकते हो, और इसका एडमिट कार्ड जो आएगा वो भी आप डेट यहाँ से देख सकते हो। ये आप इंस्ट्रक्शन आप इसकी रीड कर लोगे। आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके, आप यहाँ से देखते हो सेलेक्ट पोस्ट फॉर एप्लीकेशन, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडिंग के लिए। उसके बाद आप ये जेंडर देखिएगा, फीमेल के लिए केवल एक ही पोस्ट है, असिस्टेंट कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA, और मेल के लिए बाकी ये पोस्ट है। आप इस जैसी कोई से बुक करना है, असिस्टेंट कमांडिंग जनरल ड्यूटी करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करा और आई एग्री पे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ओके, आप यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल, आपके एप्लीकेशन असिस्टेंट कमांडिंग जनरल ड्यूटी, या आपके आपके सामने ओपन हो गया है। देखिएगा, पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। देखिएगा, यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना होगा एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना होगा, जो आपके मैट्रिकुलेशन पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पे है, वो आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना होगा। फ्रेंड्स, ये देखिएगा, जो भी स्टार मार्किंग है ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, आपको ये फिल करना ही होगा जरूरी। उसके बाद यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल कर देना है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है अपना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है DDMMYY में। ये आप यहाँ से भी देख सकते हो फ्रेंड्स, डेट ऑफ बर्थ 1997 से 2001 के बीच में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आप नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हो। देखिएगा, जनरल ड्यूटी के लिए बॉन्ड, ये डेट ऑफ बर्थ भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे फ्रेंड्स, आप सेलेक्ट योर कास्ट, कौन सी कास्ट है, जनरल हो, शेड्यूल कास्ट हो, या OBC हो, जो भी हो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। मैरिटल स्टेटस आएगा नेक्स्ट, मैरिड हो या अनमैरिड हो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। ये कह रहा है वेदर यू आर बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन EWS, EWS तो नहीं हो वो आप यहाँ पे फिल कर दोगे। जेंडर मेल फीमेल, डू यू नो स्विमिंग, आप स्विमिंग जानते हो, नो या यस वो कब फिल कर दोगे। प्रोफेंसी इन स्पोर्ट्स इन नेशनल लेवल, आपने नेशनल लेवल का रखा है तो यस कर दोगे, नहीं कर रखा है तो नो कर दोगे। देखिए, इट्स वार्ड्स वो कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिसीज हैं वाइल हैं इन सर्विस, तो आप यस हो तो यस कर दोगे, नो हो तो आप नो पे यहाँ क्लिक कर दोगे। उसके बाद ये देखिएगा, इज योर फादर सर्विंग रिटायर्ड फॉर डिफेंस, आपके फादर डिफेंस से रिटायर हैं या सर्विंग कर रहे हैं,
तो आप यहाँ से इसके यस कर दोगे नो कर दोगे। उसके बाद ये सर्विस टाइप, किस तरह की सर्विस कर रहे हो आप, तो आप यहाँ पे फिल कर दो, आर्मी है, इंडियन फोर्स है, नेवी है, जोन से वो कर रहे हो तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। अब नीचे आओगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना, फ्रेंड्स एड्रेस आपको यहाँ पे कम्प्लीटली फिल करना होगा, नियर अबाउट जो भी है मकान नंबर आपका वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट डालना होगा, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, यहाँ पे उसके बाद पिन कोड डालना होगा, यहाँ पे आपको सिटी, यहाँ पे आपको लैंडलाइन नंबर या मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दोगे। फ्रेंड्स ये देखिएगा क्लिक हियर टू सेव, अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है, तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको दोबारा अपना वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे चॉइस ऑफ सेंटर, आपको सेंटर चॉइस करने होंगे। ये देखिएगा चेन्नई का है, गोवा है, कोलकाता है, नोएडा का, जो सा आप सेलेक्ट करना चाहो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद देखिए एनसीसी क्वालिफिकेशन इफ एनी, आपने कोई एनसीसी का सर्टिफिकेट ले रखा है, ए है, बी ले रखा है, सी है या नहीं है, तो आप नन पे भी क्लिक कर दोगे। उसके बाद देखिए प्रीवियस अटेम्प्ट, एफएसबी कर रखा है, एसएसबी कर रखा है, आपने अटेम्प्ट कर रखा है या अपीयरिंग कर रखा है, तो आप कर रखा है तो यस कर दोगे, नहीं कर रखा है तो नो पे आप क्लिक कर दोगे। उसके बाद नीचे आओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रेडिंग सिस्टम, अब ये देखिएगा 10+2 की आपके यहाँ पे फिल करना होगा, 10+2 के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। एज एप्लीकेशन आपको पासिंग ईयर डालना होगा, कौन सी ईयर में आपने 10+2 किया हुआ है। उसके बाद ये आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, उसके बाद बोर्ड या इंस्टीट्यूट कौन से बोर्ड से करा है, जैसे यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, जौन से भी बोर्ड से आपने कर रखा है वो आप यहाँ पे डाल दोगे, नहीं कोई से इसमें बोर्ड नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे अदर पे भी क्लिक कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स फिल करने होंगे, कितने मार्क्स में आपको मिले, जैसे 600 से कितने आपको मिले तो वो आपके फिल कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपका एवरेज मतलब परसेंटेज यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ग्रेजुएशन देखिए, ग्रेजुएशन आपने बीएससी का रखा है, बीकॉम या अदर का रखा है तो आप यहाँ पे उसका मेंशन करना होगा। पासिंग ईयर कौन सी कर रखी है, सर्टिफिकेट नंबर कौन सी यूनिवर्सिटी से करा है वो डालना होगा। उसके बाद फ्रेंड देखिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के आपको यहाँ पे इसके मार्क्स मेंशन करने होंगे, फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स है, सेकेंड ईयर में कितने हैं, थर्ड में ईयर में कितने हैं, उसके बाद परसेंटेज आपकी टोटल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप ये मेंशन कर दोगे, नहीं कर रखा है तो भी इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो आप। देखिए कि जैसे ग्रेजुएशन एमएससी एमए कर रखा है तो आपको उसका भी यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद नीचे आओगे ये देखिएगा मार्क्स एंट्री फॉर कंपलसरी सब्जेक्ट 10+2 में, ये सब्जेक्ट आपके पास होने जरूरी हैं, फिजिक्स और मैथ, इसके आपको यहाँ पे स्पेशल आपको मार्क्स यहाँ पे डालने होंगे, कितने मार्क्स में आपको मिले हैं और कितने आपके आए हैं, जैसे कि 100 आए हैं, 100 में से मिले हैं आपको 75, तो आपके देखो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आपने आ चुकी है। उसके बाद नीचे आओगे ये देखिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड फाइल टाइप जेपीजी फॉर्मेट में, ओनली फॉर जेपीजी फॉर्मेट में होगी ये, जो आपका फोटो अपलोड होगा फ्रेंड्स वो 10 से 40 KB में होगा, जो सिग्नेचर अपलोड होगा वो आपका 10 से 30 KB में होगा। ये देखिएगा आप यहाँ चॉइस फाइल पे आप क्लिक कर दोगे, आप यहाँ से अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे। फ्रेंड्स अगर आप इसमें सर्विस कर रहे हो, ये सर्विस पर्सनल आप खुद पर सर्विस कर रहे हो किसी उसमें, तो आप यहाँ पे उसका मेंशन कर दोगे सर्विस टाइप में, आर्मी कर रहे हो या कोस्ट गार्ड की, एयरफोर्स की, जो भी आप वो कर रहे हो वो आप यहाँ पे डाल दोगे, नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक कर दोगे। ये कह रहा दूसरा एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल स्टेट या अदर कोई सी और नौकरी कर रहे हो तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद आओगे आप डिक्लेरेशन रीड कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस किस प्लेस से आप यहाँ से इसे फॉर्म को फिल कर, इस कोड को यहाँ पे फिल कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे। देखिएगा फ्रेंड्स आपको ये एक्नॉलेजमेंट आपको मिल चुका है, एप्लीकेशन आपका सक्सेस हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे आपको मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आप देख सकते हो, यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन भी आप निकाल सकते हो फ्रेंड्स, फीचर के लिए आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। असिस्टेंट कमांडिंग का आपका ये फॉर्म फिल हो चुका है कम्प्लीटली। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहते हो लगातार ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करेगा एंड शेयर कीजिएगा, बाकी की जानकारी हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा YouTube चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।